मैं उतरने का मन कर रहा हूँ, साइड उतर जाओ। गर्म पानी आ रहा है वहां से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिल टू वैली होम। और हिमाचल के रास्ते दोस्तों खुल गए हैं, हमारे होम स्टे में भी गेस्ट आए हुए हैं, तो उनके साथ जा रहे हैं हम कसौल और मणिकरण घूमने के लिए और बहुत मजा करेंगे हम। हिमाचल में भुंतर पहुंचने के बाद आपको सीधे हाथ को मुड़ जाना है, जो कि रास्ता जाता है कसौल की तरफ को। कसौल भुंतर से 35 किलोमीटर है और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नदी है, और हमें रास्ते में दिखाया जाता है एक खूबसूरत सा टीला। भाई हम जो है यहाँ पे चढ़ जाते हैं और भाई खूब मस्ती करते हैं यहाँ पे। यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, नीचे बहती नदी, सामने सुंदर सुंदर पहाड़। अंकल जी अचानक से कूद कूद के नाचने लगते हैं, हम उन्हें बताते हैं भाई नीचे लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, पर भाई क्यों ना कोई नाचे, क्योंकि यहाँ पे मौसम ही कुछ ऐसा था। चारों तरफ देवदार के पेड़ जो ठंडी हवा बिखेर रहे थे और हम बीच में नाच रहे थे। ओ मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते में घूमोड़े आया, मैं बोतल वहां छोड़े आया। हम लोग वहाँ पे कुछ फोटोज खिंचवाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने सुंदर से सफर पे। कसौल पहुंचने के बाद हम सबसे पहले पहुंचते हैं नेचर पार्क कसौल में। भाई सामने देख रहे हैं आप, ये है टिकट काउंटर। भाई यहां से जो आपको 20 रुपए की टिकट मिलेगी और उसके बाद जो आप एंट्री करेंगे कसौल पार्क में। ये फेस स्टैचू देख रहे हैं आप, ये स्टैचू बनाया गया है देवदार के पेड़ पे, और यहाँ पे ऐसे कई सारे स्टैचू हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के, और ये पार्क है ही बहुत सुंदर। ऐसा नहीं है कि ये खुद बनाया गया है, एक्चुअली में बहुत ही नेचुरल पार्क है। आसपास इसके दोनों तरफ जो है नदी है। फिर मेरे को और मोहित को दिखती है भाई यहाँ पे रॉक क्लाइंब करने के लिए। मैंने कहा हम ट्राई करते हैं दोनों, ऐसे नहीं चढ़ा जाता इस पे भाई। हेलो हेलो, सबसे पहले मोहित ट्राई करता है भाई, उसके बाद जो है मेरी बारी आती है। भाई सच बात तो ये कि सच में बहुत टफ था भाई, दोनों ही बहुत कोशिश करते हैं पर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अभी हाथों में दर्द हो जाता है इससे, फिर हम चढ़ते हैं लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे जो कि दो देवदार के पेड़ों पे टिका था। अंकल जी गायब होते हैं और ढूंढे मिलते हैं वो हमें यहाँ। क्या कहते हैं अपनी उम्र के 30 साल बाद झूला झूल रहा हूँ। हाँ जी, हमारे गेस्ट जो आए हैं पूरा मजा लेते हैं जिंदगी का। जब हम छोटे बच्चे थे तब ही झूला झूलते थे, अब हम बड़े बच्चे हैं फिर भी झूला झूलते हैं। ओ मैं निकला ओ बोतल लेके रास्ते में झूला मिल गया। इसके बाद जो अभी आगे लोकेशन में निकल पड़ते हैं जहाँ पे आगे जाके है नदी। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे दूसरे गेस्ट से जिनका नाम है मोहित भाई। इन्हें जो है अभी डॉग से बहुत प्यार है। हमारे प्रवीण सर जो गेस्ट हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं वो बहुत ही मज़ेदार है भाई, वो पूरा मज़ा लेते हैं अपनी लाइफ का। उनकी उम्र जो है 62 है पर अभी भी वो यंगस्टर की तरह पूरा इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ का। आगे जाके आने वाली है नदी भाई, साइड में नदी चल रही है, मैं उतरने का मन कर रहा हूँ, साइड उतर जाओ नीचे। कसौल पार्क को पूरा घूमने के बाद दोस्तों हम निकल पड़ते हैं कसौल मार्केट की ओर। कसौल की मार्केट में आपको जो है भाई ज्यादातर जो है हैंडमेड चीजें मिलेंगी। ये हमारे दोस्त मिले हैं, हमारे फ्रेंड मिले हैं यहाँ पर। कसौल की मार्केट में आपको हैंडीक्राफ्ट के अलावा मिलेंगी बहुत सारे कैफे, स्पा और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको बहुत ही डिफरेंट लगेंगी। अभी हम हैं दोस्तों मणिकरण के गुरुद्वारे में और ये है यहाँ की पार्किंग, और आगे जाके आप देख रहे हैं भाई ये रास्ता जा रहा है मणिकरण गुरुद्वारे की ओर। भाई गुरुद्वारा बहुत ही खूबसूरत, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक पूल है भाई जो हमेशा जो है गर्म पानी से भरा रहता है, और नीचे जो है ठंडी नदी बहती है यहाँ पे। गर्म पानी आ रहा है वहाँ से। कहा जाता है कि यहाँ पे नीचे जो है रेडियम के पहाड़ है जिनकी वजह से जो है ये गर्म पानी बाहर आता है भाई, इतना खोलता पानी कि ये पत्थर भी पिघला देता है। ये एरिया दोस्तों गुरुद्वारे के अंदर है नहाने का, यहाँ पे नहाना पवित्र माना जाता है। मैं और मोहित यहाँ पे नहाते हैं, उसके बाद जाते हैं हम लंगर के एरिया में, वहाँ पे हम थोड़ी देर करते हैं सेवा और उसके बाद भी हम भी लंगर खाते हैं। यहाँ पे दोस्तों लंगर सुबह से लेकर रात तक चला ही रहता है, और आप देख रहे हैं भाई कितने बड़े बड़े बर्तन हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो खाना है ना, जो गर्म पानी नीचे से आता है उससे जो है खाना पकाया जाता है।
फिर हम जाते हैं दोस्तों मणिकरण की गर्भ गुफा में। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के पत्थर जो है गर्म रहते हैं। बिल्कुल हम यहाँ गए और बिल्कुल पत्थर गर्म थे। और ये भी कहा जाता है कि इन पत्थरों के कारण जो गर्माहट निकलती है इसके आपके शरीर की जो अंगों के दर्द है कहीं पे भी दर्द वो ठीक हो जाती है। मणिकरण गुरुद्वारे के साथ ही में है बहुत ही फेमस शिव मंदिर। फिर हम जाते हैं मंदिर की ओर। मंदिर की सीढ़ियां उतरते ही राइट हैंड साइड पे शिव जी की भव्य मूर्ति और सामने शिव जी का मंदिर और सामने बैठे नंदी जी। शिव जी की मूर्ति के सामने ही एक आदमी बैठा होगा जो आपको चने की पोटली देगा। और दोस्तों यहाँ पे चने की पोटली लोग पका के प्रसाद के रूप में जो है घर ले जाते हैं। भाई इतना गर्म पानी है ये 10 मिनट में जो है चने पका देता है। शिव मंदिर में भी है दोस्तों नहाने का प्यारा सा स्थान जहाँ से दिखती है सामने सुंदर पहाड़ी। और यहाँ बैठ के मैं 15 मिनट मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ और मुझे नदी की आवाज़ के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई देता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों। और आप भी घूमना चाहते हैं हिमाचल में तो आज ये हमारे होम स्टे में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते दोस्तों आपसे दोबारा।